ब्रेक के बाद पुरवैया स्पेशल में स्वागत है आपका। एक बार फिर से बात करते हैं जल जंगल और जीवन के रियलिटी चेक की। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था में मछली उत्पादन का भी अहम योगदान रहा है। हर साल झारखंड सरकार के फिशरी फार्म सेंटर से मछली के करोड़ों बीजों का उत्पादन होता है, लेकिन इस बार की प्रचंड गर्मी का सीधा असर फिशरीज पर भी देखने को मिल रहा है। रांची में तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है और अब इसका जो सीधा असर है वो आदमी के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड सरकार के फिश फार्म सेंटर में, जो कि शहर के बीचों बीच रांची के डोरंडा में स्थापित। आप देख सकते हैं कि इस फार्म सेंटर में तकरीबन 24 तालाब है जहाँ पर फिशरीज के प्रोडक्शंस का काम होता है। और आप देखिए कि भीषण गर्मी की वजह से आलम यह है कि यहाँ के तकरीबन 18 तालाब जो हैं वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं और जो धरती है वो भी लगभग उसमें आप देखिए कि गर्मी की वजह से यहाँ पर दरारें जो हैं साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। और जो तालाब जिसमें पानी भी है भी, वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए जो बोरिंग का पानी है या फिर जो बगल में बटन तालाब है वहाँ से पानी ला करके उस तालाब को जिंदा रखा जा रहा है ताकि जो फिशरीज के जो प्रोडक्शन का काम है वो जारी रखा जा सके। पर्सन के पिसिंग के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। भारी संख्या में मछली के बीज का उत्पादन करने के लिए बनाए गए झारखंड सरकार के फिश फार्म सेंटर का हाल और भी ज्यादा बुरा है। भीषण गर्मी के चलते इस फिशरीज के 24 में से 18 तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने रांची के फिश फार्म सेंटर का जायजा लिया और फिशरीज डीएफओ मनोज ठाकुर से खास बातचीत भी की। और आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ डीएफओ फिशरीज ठाकुर जी भी मौजूद हैं। ठाकुर जी, ये बताइए कि भीषण गर्मी का जो असर है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। आपके 18 तालाब पूरी तरीके से सूख चुके हैं और जो बच्चे भी हैं वहाँ पर हमने देखा कि बोरिंग का पानी और बगल के तालाब से आप पानी ला करके वहाँ पर डाल रहे हैं। ये मेरा फार्म मुख्यतः यहाँ काम होता है बीज उत्पादन का। यहाँ से रांची ग्रामीण जिलों में जो भी तालाब हमारे हैं, सरकारी तालाब, निजी तालाब हैं, यहाँ से हम लोग बीज बिक्री का कार्य करते हैं, फिशरीज का, मछली के बीज बिक्री का काम करते हैं। और इस बार गर्मी कुछ पहले पड़ी और थोड़ा स्पैन जो है वो ज़्यादा हो गया गर्मी का, इस कारण से तालाब पहले सूख गए। अब इसमें कुछ तालाब ऐसे हैं जिसमें हम लोग ब्रूड फिश रखते हैं जिससे कि मछली का बीज तैयार करते हैं, तो उनको बचाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। अभी प्राथमिकता हम लोग की प्राथमिकता में है। इसके लिए हम लोग बोरिंग के पानी से और बगल में बटन तालाब है, स्टॉकिंग तालाब है, उससे पानी लेकर के अभी हम लोग ब्रूड फिश को बचा रहे हैं। क्योंकि अब जब भी पहली बारिश आएगी, गाँव के लोग जहाँ भी तालाब है वहाँ से डिमांड आएगा बीज का, तो इन्हें बचाना हमारी प्राथमिकता में है, इसी से हम बीज तैयार कर पाएंगे। मतलब कि इन मछलियों का बचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है, वो मछली पर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर करती है। क्योंकि एक तो सूखा के चपेट और फिर जब बारिश होगी तो इन मछलियों के जरिए वो कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने और क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की हैं ताकि इन मछलियों को बचाएं? हमारे पास बड़े बड़े डैम हैं, जैसे गतलसू डैम, ध्रुवा डैम की स्थिति कमोबेश यही है कि वो बिल्कुल सूखने के कगार पर है। तो लेकिन हमारे लिए एक प्लस पॉइंट वहाँ ये है कि वो बड़े बड़े तालाब, लगभग 18 या 20 तालाब, बड़े बड़े 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर के तालाब के फॉर्म में वो बदल गए हैं। जगह जगह बीच में तालाब का रूप ले लिया है, पानी है, उसमें हम लोगों ने अभी स्पॉन छोड़ा है जो मछली का सबसे छोटा बीज होता है। वो मेरी समझ से 20-25 दिन में वो मेरा बीज वहाँ तैयार हो जाएगा। यदि पहली बारिश होती है और लोगों का डिमांड आता है बीज का, तो मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था है कि हम कम से कम वहाँ से 150 लाख बीज अभी हमारे पास अवेलेबल है ध्रुवा डैम में। पहली वर्षा होगी से कि जून में या जुलाई में जब भी बारिश होगी, तो उस समय हमारे पास चैलेंज होगा ये कि पानी तो तालाबों में आ जाएगा लेकिन बीज उपलब्ध रहे, ये मेरे लिए चैलेंज है। उसकी तैयारी अभी से हम लोग कर रहे हैं, इसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस पर काफ़ी निर्भर करता है और यही वजह है कि आप देखिए कि जो तालाब जो हैं, फिशरी सेंटर्स के जो तालाब है, जो फॉर्म के जो तालाब हैं, वो सूख चुके हैं। और अब झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के तरफ से वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए पानी लाया जा रहा है और इन मछलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि बारिश जब हो तो गाँवों में मछलियों के जो बीज हैं वो पहुँचाए जा सके ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो अपना जीविकोपार्जन जो है वो कर सके बेहतर तरीके से। कैमरा पर्सन के पिसिंग के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।
नक्सली इलाकों के मासूम युवाओं को बहलाकर उन्हें अपने संगठन में शामिल करने की रणनीति का जवाब देने के लिए पुलिस ने एक अलग तरीका अख्तियार किया है। लोहरदगा में पुलिस इन दिनों हथियार छोड़ो वॉलीबॉल खेलो अभियान चला रही है, जिसके तहत नक्सली इलाकों के युवाओं का ध्यान हथियार छोड़कर खेल की तरफ मोड़ने की कोशिश है, ताकि नक्सलियों के बहकावे में ये युवा नहीं आ सके। शहीद पुलिस अधिकारी अजय सिंह के नाम पर यहां टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2000 में तत्कालीन एसपी अजय सिंह की हत्या कर दी गई थी। अजय सिंह की याद में ही इस टूर्नामेंट का आयोजन होता है, जिसमें हर थाना क्षेत्र से एक एक टीम को शामिल किया जाता है और आखिर में 10 टीमों के बीच मुकाबला होता है। इस टूर्नामेंट के लिए एक थीम सॉन्ग को भी तैयार किया गया है, जो यूट्यूब और व्हाट्सएप पर खूब वायरल भी हो रहा है। हम लोग जो है बंदूक छोड़ो वॉलीबॉल खेलो करके एक अभियान चला रहे हैं, जिसके माध्यम से शहीद अजय मेमोरियल कप फॉर लोहरदगा वॉलीबॉल चैंपियनशिप लीग चल रहा है। ये पूरा आयोजन पिछले 28 मार्च से शुरू हुआ था। पिछले एक महीने से जो है हर थाना स्तर से 8-8 टीम खिलवा करके एक एक टीम चिन्हित करके लास्ट में 10 टीम्स के साथ इधर लोहरदगा में डिस्ट्रिक्ट लेवल लीग मैच चल रहा है। हम लोग एक हथियार छोड़ो वॉलीबॉल खेलो करके एक थीम सॉन्ग भी बनाए थे, जो यूट्यूब में वायरल हो रही है। जमशेदपुर के कपाली थाना के डांगोडीह गांव में बंद पड़े प्लास्टिक गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा प्लास्टिक जलकर खाक हो गया। कहा जा रहा है कि गोदाम के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से निकली चिंगारी ने आग का रूप अख्तियार कर लिया। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर में 0.1% का इजाफा किया गया है। अब कर्मचारियों को उनके पीएफ पर 8.8% ब्याज मिलेगा। सरकार ने श्रमिक संगठनों के विरोध की धमकी के बाद यह फैसला लिया है। दरअसल श्रम मंत्रालय की ओर से पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को बढ़ाकर 8.80% किए जाने की सिफारिश की गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय ने पहले स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब सरकार ने यह सिफारिश मान ली है। अगर आपको बिल्डर फ्लैट का पजेशन देने के लिए दौड़ा रहा है, परेशान कर रहा है, तो यह खबर आपके काम की है। चंडीगढ़ के कंज्यूमर कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। रियल एस्टेट कंपनी ने 2 साल से फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया था। यूनिटेक लिमिटेड के 2 मैनेजिंग डायरेक्टर को 3 साल की जेल। चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला। 53 लाख रुपए या 3 साल की जेल। चंडीगढ़ के कोर्ट से देश भर के बिल्डरों को एक ऐसा संदेश गया है, जिसके बाद बिल्डरों से त्रस्त ग्राहकों को कुछ उम्मीद बंधेगी और बिल्डर टेंशन में आ जाएंगे। दरअसल चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा पर 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। शर्त यह है कि दिल्ली के द्वारिका में रहने वाले वरुण बख्शी और उनकी पत्नी मनदीप सांगा को अगले महीने की 30 तारीख तक अगर 53 लाख रुपए नहीं देते हैं तो अगले ही दिन उन्हें जेल जाना होगा। यूनिटेक लिमिटेड के प्रवक्ता का कहना है कि पिछले साल नवंबर में चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली के दोनों ग्राहकों को 53 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर 30 मई तक 53 लाख का भुगतान नहीं किया गया तभी कोर्ट का जेल भेजने वाला आदेश लागू होगा। दरअसल मामला 2011 में शुरू हुआ था, जब दिल्ली के द्वारिका के रहने वाले वरुण बख्शी और उनकी पत्नी ने यूनिटेक को मोहाली के सेक्टर 97 में फ्लैट के लिए 49,46,000 रुपए दिए थे। यूनिटेक ने 2 साल में घर देने का वादा किया था, लेकिन जब 2 साल बाद भी घर नहीं मिला तो परिवार ने कमीशन का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल 26 नवंबर को कमीशन ने यूनिटेक से कहा कि वो मुकदमे के खर्च समेत 53 लाख रुपए लौटाए। यूनिटेक को रकम लौटाने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी यूनिटेक ने पैसे वापस करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया।
इससे पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भी यूनिटेक के तीन बड़े अधिकारियों को जेल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन उसी दिन कोर्ट से उन्हें बेल भी मिल गई थी। हालांकि बेल मिलने के बाद भी एक रात तीनों अधिकारियों को तिहाड़ जेल में बितानी पड़ी थी। यूनिटेक केस देश के उन तमाम धोखेबाज बिल्डर्स के लिए सबक और सीख है कि लोगों के घर के सपने से खिलवाड़ भारी पड़ सकता है। कंज्यूमर कोर्ट के इस फैसले ने एक नजीर भी पेश की है कि जो भी ग्राहक बिल्डर से परेशान है वो अदालत से बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।